लास्ट सेशन का डिस्कशन याद है? अकाउंट्स टेन से सब्जेक्ट जस्ट अपन स्टार्ट ही किया था, ठीक है, जिसमें अपन देखा था अकाउंट्स क्या है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जिसमें अपन बिजनेस का पैसा का आना जाना ये सब रिकॉर्ड करता है या लिखता है। लैंग्वेज किसके लिए सीख रहा है? देर आर सर्टेन यूजर्स जिसकी वजह से हम लोग को ये अकाउंटेंसी बोल के लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है। यूजर्स कितने तरीके का था? दो तरह का। कौन सा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर ओनर्स एंड मैनेजमेंट, और बाहर वाले कौन कौन थे? एम्प्लॉयज, सोसाइटीज, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, क्रेडिटर्स, ठीक है, सप्लायर, इन्वेस्टर, ये सब मेरे क्या है? बाहर वाले, जिनके लिए हम लोग को ये लैंग्वेज सीखना है, राइट? फिर लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन, ऐसा अपना होना चाहिए। लास्ट सेशन में सिर्फ इतना ही सीखा था कि अकाउंटेंसी हम लोग किसके लिए सीख रहे हैं, एंड जिसके लिए सीख रहा है उनको हम लोग जो कम्युनिकेट करेगा वो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, राइट? तो कुछ डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था कि मैनेजमेंट एंड ऑनर्स को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। देन वी रोट गवर्नमेंट को क्या चाहिए था एंड सोसाइटी, ये तीन ही लिखा था, एंड एट्रीब्यूट्स को जस्ट लिख के छोड़ दिया था। आज वहीं से कंटिन्यू करता है, सोसाइटी लास्ट लिखा था ना, इसके आगे अपन लिखेगा कौन सा पेंडिंग रह गया था अपना। एक प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, इन लोग रह गया था। इनके बारे में लिखता है कि इन लोग को मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन से क्या चाहिए। सबसे पहले वी विल राइट डाउन प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। पहले तो ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का मतलब पैसा, जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा देता है उसको अपन प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस बोलता है, क्लियर है? जैसे बैंक लोन देता है अपने को, कोई रिलेटिव से लोन मिला, कोई फ्रेंड से लोन मिला, वो सब क्या है मेरे लिए? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, इन शॉर्ट इन्वेस्टर्स हो गए वो मेरे। तो उनको क्या चाहिए? सबसे पहले जब भी कोई इंसान आपको पैसा देता है या आपके धंधे को पैसा देता है, वो ये देखता है क्या आप उसका पैसा टाइम पे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। प्लस पैसा दिया तो फ्री में तो दिया नहीं है, इंटरेस्ट लेगा, तो टाइम टू टाइम आप उसका इंटरेस्ट पे करने का कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता है, ठीक है? यही इंफॉर्मेशन मेरे प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को चाहिए। तो लिखना इज पॉइंट नंबर 4 था ना, वो हाँ इज बिजनेस इज कैपेबल इज बिजनेस इज कैपेबल ऑफ रीपेमेंट इज बिजनेस इज हटा देना यहां से, इज बिजनेस कैपेबल ऑफ रीपेमेंट इट्स बोरोड अमाउंट। बोरोड का मतलब उधारी। उधारी जो हमने बोरो किया है, क्या बिजनेस का कैपेसिटी है क्या रीपेमेंट करने का? सबसे पहले कोई भी आपको पैसा देगा तो वो ये चेक करेगा। सेकेंडली वो क्या चेक करता है, क्या इंटरेस्ट अपन टाइम टू टाइम पे कर पाएगा। वेदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट वेदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट विल बी पेड ऑन टाइम और नॉट। एक लोन देने वाला ये भी देखेगा कि
क्या ऐसा तो नहीं है पहले भी आपने किसी से उधार लिया था और उसका पैसा चुकाया नहीं? कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया? जैसे बैंक आपको लोन देने से पहले बैंक आपका क्रेडेंशियल्स चेक करता है, क्या आप भले मानुष हो या नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि आप लोन लेने गए SBI, तो SBI चेक करेगा क्या दूसरा कोई बैंक से तो पहले लोन नहीं लिया था? और लोन लिया तो क्या उसका डिफॉल्ट चल रहा है क्या? इफ डिफॉल्ट चल रहा है तो वो लोन नहीं देगा ना, राइट? क्योंकि यदि पुराने वाले का ही पैसा नहीं चुकाया तो नए वाले का चुका पाओगे क्या? ऑब्वियसली उस बिजनेसमैन का नियत में ही खोट है, क्लियर है? तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चेक करेगा वेदर बिजनेस हैज मेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर बोरोइंग्स वेदर बिजनेस हैज मेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर बोरोइंग्स, क्लियर है? ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए किसको? मेरे प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को, जो लोग मुझे पैसा उधार दे रहे हैं, क्लियर है? देन फिर और रह गया था अपना कॉम्पिटिटर, रह गया था ना कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? यस, हमारे बिजनेस का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप अपने कॉम्पिटिटर का क्या देखते होगे, उसका प्लस पॉइंट क्या और उसका माइनस पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको उन लोग ये चेक करता है, दे वॉन्ट टू चेक द स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दी एंटरप्राइज, दे वॉन्ट टू चेक द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द एंटरप्राइज। नेक्स्ट, जिस लाइन में आप बिजनेस कर रहे हो उस लाइन का प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है? सपोज मैं पेन सेल करने का बिजनेस करता हूँ, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर जो पेन सेल करता है वो हमेशा मेरे पे नजर रखता होगा कि यार मेरा ये पेन का कॉस्टिंग क्या है, तभी तो वो हमसे कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है पेन का। इफ मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ तो वो भी 10 रुपए में बेचेगा। द मेन फैक्टर इज कॉस्ट, क्या मैं सस्ते में तो नहीं खरीद रहा, मेरा कोई पीछे में सेटिंग तो नहीं है जिससे मेरे को सस्ते में आता है और उसको महंगे में मिल रहा है, ठीक है? तो कॉस्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दे वॉन्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड बाय आवर बिजनेस। प्लस हम लोग कोई फ्यूचर के लिए कोई इनबिल्ट रिसर्च और डेवलपमेंट तो नहीं कर रहा, जैसे कि एप्पल हमेशा चेक करता रहेगा सैमसंग कोई नया टेक्नोलॉजी तो नहीं लेके आ रहा, सैमसंग वो एप्पल के ऊपर चेक करेगा, MI भी चेक करेगा सैमसंग और एप्पल क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम भी इन हाउस कुछ टेक्नोलॉजी बनाता है, तो इन इन हाउस कोई ऐसा खर्चा तो नहीं हो रहा, ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा। जैसे याद है तो तुम लोग को एक मूवी आया था जिसके अंदर में हम लोग नासा सेटेलाइट के ऊपर में मतलब रिसर्च चल रहा था, ठीक है? वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का मूवी था,
आपका जो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर टेस्टिंग चल रहा था इंडिया के अंदर में, तो कौन सा राजस्थान में गांव था, वो मूवी आया था जिसमें जॉन इब्राहिम होता है, पोखरण, ठीक है। पोखरण वाले में क्या हो रहा था, वी वांटेड टू टेस्ट, क्या टेस्ट कर रहे थे हम लोग उसमें, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम टेस्ट करना था। किसको टेस्ट करना है, इंडिया को, किधर टेस्ट करना है, इंडिया में ही। फिर भी प्रॉब्लम किसको है, अमेरिका को, पाकिस्तान को, इन लोग को प्रॉब्लम था ना, तो इन लोग टेस्ट नहीं करने दे रहा था। तो हम लोग क्या करता है, छुपके से स्ट्रेटेजी बनाता है, और इतना छुपके से बनाता है, कोशिश करता है थोड़ा सा भी खबर बाहर नहीं फैल जाए। बट हमारे जो ये कॉम्पिटिटर्स है, अमेरिका, पाकिस्तान या बाकी जो भी कंट्री है, वो हम लोग पे क्या करती है, नजर रखती है ना। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में भी हम लोग नजर रखता है एक दूसरा कॉम्पिटिटर का, कि उसका इन हाउस कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा है, वो कहीं नया टेक्नोलॉजी तो नहीं बना रहा है, कोई नया बिजनेस स्ट्रेटेजी तो नहीं लेके आने वाला, राइट। और वो पता कैसे चलेगा, यदि कुछ भी ऐसा नया कर रहा है तो खर्चा तो हो रहा होगा, एंड खर्चा हो रहा होगा तो पैसा कहाँ से निकल रहा होगा, बिजनेस से ही तो निकल रहा होगा, तो पता चल जाएगा, राइट। तो वेदर एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, वेदर एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड और नॉट तो मोटा मोटी मेरे कंप्यूटर को सी इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो लिखने जाओ तो बहुत कुछ लिख सकता है, बट टू द पॉइंट प्रिसाइज, जितना तुमको पूछ सकता है, वैसे भी इतना ज्यादा नहीं पूछता, ये सब इतने हाई डिमांडिंग एग्जाम क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल फॉर द नॉलेज पर्पस, कल को आपसे पूछ ले, आपके क्लास में पूछ ले कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 मार्क में पूछ ले, तो एटलीस्ट उतना कंटेंट अपन को लिखना आना चाहिए। एंड कंटेंट रट नहीं सकता है, कंटेंट को समझना होगा कि उसको क्या चाहिए, बस उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बना के लिख के आ जाना, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्या रह गया अपना, क्रेडिटर्स, जिसको प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में डाल दिया था, हाँ सप्लायर को ही क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर बेसिकली कौन होता है, क्रेडिटर उधार पे देने वाला, यस, जो पर्सन आपको उधारी में देता है, उधारी में बोले तो गुड्स, जिसमें अपन डील करता है, यदि वो उधार में मिल रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिटर बोलेगा, सामने वाला को। तो सामने वाला हम लोग को उधारी में क्यों देगा, चेहरा देख के थोड़ी देगा, हम लोग टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसका पैसा, वही तो वो चेक करेगा। एंड क्या हमारे बिजनेस में उतना सेल है भी या नहीं है। सपोज मेरा एक क्रेडिटर है, हम उसको बोलते हैं भैया 10 लाख का गुड्स भेज दो, अरे वो बोलेगा भैया आप पूरा साल भर में 3-4 लाख का सेल करता है, आपको 10 लाख का माल चाहिए क्यों। और यदि आपने मुझसे 10 लाख का परचेज कर लिया और मैंने भेज भी दिया, पहला बात है आप सेल नहीं कर पाओगे, सेकेंडली इफ आप सेल नहीं कर पाओगे तो आप मेरा पैसा भी टाइम पे नहीं दोगे ना, राइट। तो क्रेडिटर को सारा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या मेरा पैसा टाइम टाइम मिलेगा, क्या उस बिजनेस में उतना डिमांड है भी या नहीं है। नॉर्मली एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है पता है, उसका जो भी कस्टमर होता है ना, जो हैवी कस्टमर है, वो यदि उससे 10 पीस मांगेगा ना, तो उसको 6 पीस ही देता है, ताकि डिमांड कंटिन्यूटी में रहे। लेकिन जितना मांगा है उतना मिल गया, फिर तो पेट फट जाएगा ना, भूख जितना है, ओवरलोड यदि आपको उतना खाना मिल जाता है, फिर तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो गया। बट हमें क्या बोला जाता है साइंटिफिकली, कि जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। सिमिलरली बिजनेस में भी वैसा ही है, कि आप जब किसी को गुड सप्लाई करता है ना, तो जितना डिमांड है उतना नहीं करता है, क्योंकि यदि सब कुछ कर दिया, कल को वो आपसे नहीं लिया तो आप क्या करते हैं, वो बिजनेस रिलेशंस को, बिजनेस कंपटीशन को ऐसा क्रिएट करता है कि जितना डिमांड होगा उतना कभी भी सप्लाई नहीं करेगा। सिमिलरली क्रिएटर होता है, तुम मांगेगा बोलेगा 10 लाख का गुड्स दे दो, बट वो आपको उधारी में कितना देगा, चाहे आपका रेपुटेशन कितना ही अच्छा हो, 10 लाख का गुड्स नहीं देगा, वो आपको 6 लाख दे देगा, 7 लाख का गुड्स दे देगा। आई बात समझ में। तो क्रेडिटर वो इंसान है जो आपको गुड्स उधार में देता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मेरे का बिजनेस का क्या चेक करना है,
क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कितना समय में पैसा दे देते हैं हम, ऐसा तो नहीं हम लोगों का पैसा खा के भाग जाता है, तो क्रेडिबिलिटी चेक करता है वो। दे चेक दी क्रेडिबिलिटी ऑफ दी बिजनेस दैट इज बिजनेस विल पे दी अमाउंट ऑन टाइम और नॉट। क्या आप हर इंसान को एक जैसा क्रेडिट देता है क्या बिजनेस में? तो क्या होता है, किसी को एक हफ्ता, किसी को 15 दिन, किसी को एक महीना, किसी को 2 महीना, क्या सबको एक जैसा देता है क्या? डिपेंड्स अपॉन बिजनेसमैन, सामने वाला के साथ आपका रिलेशन कैसा है। यदि कोई नया कस्टमर होगा तो आप मैक्सिमम उसको कितना, 3 दिन? पहला बात है देगा ही नहीं, इनिशियल डेज में तो देगा ही नहीं, लेकिन वो अब कंटिन्यूस आपके दुकान में आ रहा है, शॉप पे आ रहा है, तो आप क्या करेगा, उसको 3 डेज या 4 डेज का क्रेडिट दे देगा कि भैया 3 दिन या 4 दिन में पैसा चुका देना। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई नया स्टूडेंट आएगा, हम उसको जानता ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलेगा कि डेमो क्लासेस के बाद भैया फीस देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानता नहीं ना, मेरे को भरोसा नहीं है उस पर। लेकिन धीरे धीरे मेरा कोई अपना ही होगा, नोन होगा, जहां मैं लोकेलाइट में रहता हूँ वहां से वो आ रहा है, तो मेरे को पता है कि इसका पैसा कहीं जाएगा नहीं, तो मैं उसके लिए वेट कर लूंगा महीना, 2 महीना, 3 महीना भी। मेरा कोई कजिन ही मेरे से पढ़ने आ रहा है, तब मैं उसको और ज्यादा टाइम दे दूंगा, राइट? तो आई डिसाइड क्रेडिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में भी हम लोग डिसाइड करेगा कि कितना डेज का क्रेडिट देना चाहिए, और कैसे डिसाइड करेगा, बाय चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? लिखना, व्हाट शुड बी द क्रेडिट डेज अलाउड। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितना दिन का क्रेडिट पीरियड मिलना चाहिए। व्हाट शुड बी द क्रेडिट डेज अलाउड। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? तो अभी तक कितना कर लिया हम लोग, सिर्फ एम्प्लॉय बाकी है, ठीक है? ऑनर्स एंड मैनेजमेंट को क्या चाहिए? ऑनर्स को बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंड प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रीजंस, लॉस हो रहा है तो उसका रीजंस। मैनेजमेंट को उन सबको तो चाहिए ही, प्लस और क्या चाहिए कि चेक करना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन एज पर द ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है ये? देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स टाइम टू टाइम पे किया या नहीं किया, हमने कोई टैक्स पेमेंट करने में डिफॉल्ट तो नहीं किया, क्या हमने टैक्स का चोरी तो नहीं किया, टैक्स इवेजन वगैरह, ठीक है? ये सारा चीज गवर्नमेंट को चाहिए। क्लियर है? सोसाइटी को क्या चाहिए, गुड्स और सर्विसेज उसको जो हम लोग दे रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं है, बेस्ट प्राइस पे है या नहीं है, ठीक है? उन सोसाइटी के लिए हम लोग को जो एक्सपेंस करना चाहिए था, क्या हमने टाइम टू टाइम किया या नहीं किया, फुलफिल किया या नहीं किया, जो प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं सोसाइटी को उसका कॉस्ट इकोनॉमिकल है या नहीं है, ऐसा तो नहीं बहुत ओवर एक्सेस चार्ज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो वही चीज सोसाइटी को चाहिए। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, इनको क्या चाहिए, बिजनेस के पास कैपेसिटी है क्या, जो पैसा उधार ले रहा है चुकाने का, क्या बिजनेस टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा तो नहीं है बिजनेस ने पहले किसी से लोन लिया था और उसका भी डिफॉल्ट चल रहा है अभी तक, तब कोई भी लोन देने वाला आपको लोन नहीं देगा। कॉम्पिटिटर्स, उसको क्या चाहिए, हमारे बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चेक करेगा, प्लस कहीं हम लोग इन हाउस कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा तो नहीं कर रहा है, वो सारा हमारा कॉम्पिटिटर हम पे चेक करता रहेगा। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स क्या था, हमारी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, क्या टाइम टू टाइम हम लोग पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितना दिन का हम लोग को क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सारा मेरा क्रेडिटर चेक करेगा बाय विद द हेल्प ऑफ अवर अकाउंट्स।
देन एम्प्लॉय, सबसे बड़ा टेंशन क्या है एम्प्लॉय को? सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? वेदर ऑर्गेनाइजेशन विल पे सैलरी ऑन टाइम और नॉट, सेकेंडली सैलरी तो टाइम टाइम चाहिए, दूसरा हम जहां काम करने जा रहे हैं वहां का कल्चर और एनवायरमेंट इको फ्रेंडली है या नहीं है, क्या सुटेबल, ऐसा तो नहीं है बहुत गंदगी से उस क्लाइमेट में हम लोग को काम करना पड़ेगा, तो एक वर्क कल्चर ही अच्छा नहीं, कोई आपको बहुत हाई सैलरी दे रहा है और वहां काम करने का एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं है तो आप काम थोड़ी करेगा, हेल्थ को खराब करके तो काम नहीं करेगा ना, तो वर्क कल्चर देखेगा हम लोग कैसा सुंदर सा है या नहीं है, हाइजीन है या नहीं है, टाइम टू टाइम आपको ऑफिस आवर्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, तो वो सारा चीज भी हम लोग चेक करेगा एज ए एम्प्लॉय, ठीक है? तो क्या देखेगा हम लोग, वर्क कल्चर, वेदर वर्क कल्चर इज सूटेबल और नॉट, और कि ज्यादा लोग तो देखता नहीं है तुम्हारी देखता है आज के डेट, अगर हाई सैलरी और ज्यादा लोग तो हाँ हाई सैलरी होगा, जंगल में तुमको बैठा देगा एक कुर्सी के ऊपर जहां पे सांप भी आ सकता है शेर भी आ सकता है, हम तुमको 10 लाख रुपए सैलरी देगा, तुम जान का खतरा लेके थोड़ी ना सैलरी के लिए काम करेगा, नहीं करेगा ना। वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जैसे कि समझ लो लोग गूगल फेसबुक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका एनवायरमेंट वर्क कल्चर इतना अच्छा है, सूटेबल है कि अच्छा सैलरी भी मिलता है प्लस आपको काम करने का भी मन करता है, बहुत ही गंदगी सा है, पंखा भी मर मर के चल रहा है, हवा पानी कुछ नहीं आता है, इस टाइप का जगह आप काम करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है? तो वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना। सेकेंडली और क्या चेक करेगा एम्प्लॉय, बताओ बताओ, तुम लोग तो एम्प्लॉय रखेगा ना, तो तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे बिजनेस में क्या देखेगा? Appreciation. अरे यदि एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, आप उसको शाबाशी नहीं देगा, बोनस नहीं देगा, तो आपके लिए अच्छा काम करेगा क्या? बोलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके फायदा नहीं है, मत जाओ, लोग बाहर से ही बोल देगा, तुम इंटरव्यू देने जाएगा उसी का एम्प्लॉय तुमको बाहर से बोल देगा अरे मत ज्वाइन करना, यहाँ कोई फायदा नहीं है, खाली काम करवाता है कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता है, ठीक है? ऐसा भड़काने लग जाएगा लोग, क्यों? क्योंकि वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है। तो तीसरा चीज क्या चेक करेगा, अप्रेजल्स एंड प्रमोशंस आर गिवन और नॉट फॉर गुड वर्क, अच्छा काम करोगे तो मिलना चाहिए ना, बोनस मिलना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, करता ही नहीं है, कैसा चिंदी मालिक मिला है, तो छोड़ के चला जाएगा दुकान, तो नहीं करेगा तेरे यहाँ काम, राइट? आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर नॉर्मल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर में प्रोविडेंट फंड पीएफ बोल के एक चीज होता है, जब रिटायरमेंट के टाइम वो पैसा आपको काम आता है, पेंशन, पीएफ, ठीक है, ग्रेच्युटी फंड, ये सब थोड़ा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पैसा है। इसमें क्या रूल होता है, जितना सैलरी का पोर्शन एम्प्लॉय उस अकाउंट में डालता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर को डालना होता है, एक तो ये, एक होता है जिसमें एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर कट कर लेता है, मतलब मालिक खुद ही रख लेता है उस गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन सोचो मालिक उसके अकाउंट में टाइम टू टाइम नहीं डिपॉजिट करे तब क्या, इसका मतलब डिफॉल्ट किया, मालिक खुद ही खा गया वो पैसा, तो एम्प्लॉयज वो भी चेक करता है वेदर
एनी स्टेट्यूटरी अमाउंट डिडक्टेड वेदर एनी स्टेट्यूटरी अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी has been regularly deposited on time or not. Statutory का मतलब था law point of view. Law नहीं bound कर दिया कि आप ऐसा ऐसा category का employee रहेगा तो आपको पीएफ काटना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो जो आप कट कर रहे हो ये आपको उसके स्पेसिफिक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा. आप ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयर काट तो लेता है हमारा सैलरी से लेकिन उसको टाइम टू टाइम उस अकाउंट में जमा नहीं कर रहे, तो आप ये भी चेक करेगा. क्लियर है, समझ में आया कि एम्प्लॉयज को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. अच्छे से गो थ्रू करो सारे यूजर्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड देन फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके बारे में थोड़ा सा लिखेगा एंड देन थोड़ा और आगे बढ़ेगा. फटाफट उसको रिवाइज करो. अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए था. रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, फेथफुल प्रेजेंटेशन. ठीक है, रिलायबल का मतलब क्या था. हाँ, ट्रस्टेबल. कैसे बनेगा इंफॉर्मेशन ट्रस्टेबल. प्रूफ्स. ठीक है, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स रिलायबल व्हेन it is supported by the supporting evidence. एग्जाम्पल बिल्स. आप कोई भी चीज खरीदा है तो उसका बिल तो होगा, तो बिल से प्रूफ कर देगा कि देखो मेरा ही है ये, या हमारे बिजनेस से ही बिलोंग करता है. बहुत सारा हो सकता है, जैसे यदि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट. इफ आपके बिजनेस के नाम पे कोई एसेट है तो वो उसका डीड होगा ना, तो वो दिखा देगा हम लोग, तो वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन रिलायबल बन जाएगा. क्लियर है, तो टू मेक एनी इंफॉर्मेशन रिलायबल इट शुड बी सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग एविडेंस. देन एक पढ़ा था हमने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए. रेलिवेंट, बकवास की इधर उधर की बातें नहीं होगी हमारे बिजनेस में. तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अवर बुक्स शुड बी रेलिवेंट ऑल द इररेलिवेंट irrelevant all the irrelevant informations all the irrelevant informations of the business are ignored
एग्जाम्पल स्टाफ जुबा केसरी करके आता है, ठीक है, तो वो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन स्टाफ यदि हमारा दुकान से 200 रुपए चोरी कर लेगा तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसको अपन हमारे बुक्स में लिखेगा कि हमारा बिजनेस से 200 रुपए चोरी हो गया। क्लियर है, समझ में आया? फिर आपने क्या पढ़ा था, अंडरस्टैंडेबल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी इन सच अ फॉर्म विच इज इजीली अंडरस्टूड बाई ऑल दी यूजर्स। क्लियर है? इट शुड बी प्रिपेयर्ड विथ यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो हर कोई समझता है, जो हर एक बिजनेस में होता है। क्लियर है? इट शुड बी प्रिपेयर्ड विथ यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। देन क्या था, फेथफुल फेथफुल प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि भरोसा, ईमानदारी प्रेडिक्ट होना चाहिए कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एकदम सच सच बोलना चाहिए, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू। कुछ भी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। सो फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट दी बिजनेस इट शुड डिस्क्लोज All the facts and data, कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहिए, जो जो बिजनेस में वो पूरा अच्छे से दिखना चाहिए। इट शुड डिस्क्लोज ऑल दी फैक्ट्स एंड डेटा। क्लियर छे? लास्ट एक पॉइंट रह गया, कंपेरेबल कंपेरेबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली कंपेरेबल विथ प्रीवियस ईयर्स
रिजल्ट्स विथ प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स इट शुड ठीक है इट शुड हेल्प इन उधर ही लिख देता हूं मैं इट शुड हेल्प इन प्लानिंग इट शुड हेल्प इन देखो कोई भी डेटा यदि आपके फ्यूचर को बेटर नहीं कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन तो वो इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। हम लोग पहले तो पास्ट से कंपेयर करते हैं एंड देन फ्यूचर को बेटर बनाने का कोशिश करते हैं ना। सिमिलरली बिजनेस के अंदर जो मेरा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट रिजल्ट है पहले मैं उसको कंपेयर करूंगा प्रीवियस ईयर से कि मेरा ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ एंड देन मैं क्या करूंगा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करूंगा। तो इट शुड हेल्प इन बेटर प्लानिंग इट शुड हेल्प इन बेटर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर ईयर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन अपन क्या करते हैं पहले तो पहले से कंपेयर करेंगे पिछला साल से और देन कोशिश करते हैं हम लोग जो मेरा फ्यूचर आने वाला है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। टेंथ के रिजल्ट को आप किससे कंपेयर करोगे पिछले सालों से 8-9 में आपका क्या कंडीशन था एंड देन आप प्लान करोगे कैसे आप 12th में उससे बेटर कर सकते हो राइट। तो इस तरीके से आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। क्लियर है यहां तक ये दो क्वेश्चन। अब देखो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में डिस्कस किया था अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज जहां पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करेगा इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बस ये दो ही चेक करेगा ना। तो यानी हमारे पास बिजनेस के अंदर में दो ही चीज है धंधा धंधा का मतलब पैसा सारा कहानी पैसा ही है। इसके आसपास घूमना है अपने को बोले तो मनी मनी भाई क्या होगा या तो आएगा या फिर जाएगा। पैसा मेरा या तो इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होगा। अब देखो कुछ टर्म्स में सिखाऊंगा वो ध्यान रखना। यदि पैसा तुम्हारे पास आ रहा है जैसे कि पापा ने पॉकेट मनी दिया पैसा आया तुम्हारे पास में ये तुम्हारे लिए क्या है बढ़िया है खर्चा करेगा दोस्त के साथ बर्गर किंग जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा। दिवाली आया होली आया घर में कोई रिलेटिव्स आए ठीक है आपने लोगों को बड़ों को प्रणाम किया पर आपको पैसा मिला मिलता है एज ए रिवार्ड गिफ्ट मिलता है कभी कभी पैसा भी मिलता है ठीक है वो तुम्हारे लिए क्या है फायदा 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 इन शॉर्ट नेट फायदा है ना वो तुम्हारा नेट फायदा है कि इसको हम कहीं पे भी खर्चा कर सकता है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मम्मी भी नहीं पूछेगा पापा भी नहीं पूछेगा ये मेरा पैसा है राइट। अब क्या हुआ तुम लोग थोड़ा बड़ा हो गया 11 में आ गया ट्यूशन दूर जाना होता है तो क्या किया कि पापा ने सोचा तुम लोग को एक्टिवा दिला दिया जाए ठीक है बट क्या करे लाइसेंस तो मिलेगा नहीं तो एक्टिवा का प्लान कैंसिल। तुम लोग बोला पापा एक्टिवा नहीं साइकिल ही दिला दो तो पापा बोला चलो हीरो साइकिल दिला देता है वो बूढ़ा अंकल लोग जो चलाते ये क्या बात हुआ मेरा भी एक रेपुटेशन है दोस्त लोग का बीच में क्या वो हीरो साइकिल बूढ़ा वाला लेके जाएगा क्या हम नहीं लेगा आपको दिलाना तो अच्छा वाला दिला। बोला ओके चिल कोई बात नहीं अच्छा वाला ले लो गियर वाला साइकिल दिला देगा तुमको कितना 15-20 हज़ार में तो आ जाता है वो ठीक है। तो पापा क्या किया तुमको 20,000 रुपए दे दिया और बोला साइकिल लेके आएगा इसको रखना अपन अभी 2 दिन तो हम बिजी है मीटिंग में जाना है फिर हम आएगा साथ में चलेगा साइकिल लेके आएगा क्योंकि तुम एश्योरेंस के लिए पैसा ले लिया भरोसा नहीं है पापा बोलेगा फिर मना कर देगा 2 दिन के बाद में पैसा दे दो हाथ में तब हमको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मेरा साइकिल तो आएगा तुम वो पैसा ले लिया। अब बताओ वो पैसा एक तरह खुशी तो दे रहा है कि हाँ साइकिल आने वाला है 2 दिन कब आएगा 2 दिन के बाद उस 2 दिन के बीच में तुम्हारा वो पैसा कहीं इधर उधर हो जाए फिर तुम्हारा अंदर क्या बीतेगा क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में। पापा जब वो 2 दिन का बिजनेस ट्रिप या फिर मीटिंग से जब फ्री होगा तुम्हारे साथ क्या करेगा वो कौन सा गेम खेलता था ना चिकन चिकन क्या चिकन डिनर क्या पबजी में होता था क्या
क्या होता था उसमें, हाँ विनर विनर चिकन डिनर ऐसा कुछ, फिर पापा भी वही बोलेगा आज तो चिकन डिनर तुम लोग का पूरा बढ़िया से फ्राई किया जाएगा। मतलब कितना बड़ा टेंशन है, जब साला कोई प्रणाम करके दे रहा था खुशी मिल रहा था, पैसा इधर उधर भी हो गया तो टेंशन नहीं है, खर्चा कर दिया तो टेंशन नहीं है, डेली का पॉकेट मनी मिला वो भी कहीं पे भी खर्चा कर दिया कोई टेंशन नहीं है, घूम भी गया तो कोई बात नहीं है अगला हफ्ता फिर पॉकेट मनी आ जाएगा। लेकिन जब ये साइकिल का पैसा मिला साला किडनी से भी ज्यादा टेंशन हो रहा था, ये कहीं पे चला गया ना साइकिल तो जाएगा जाएगा। एक चांसेस ऐसा भी बन सकता है कि किक है पापा का, अपना बट और लात मार चल निकल, एक पैसा संभाल नहीं सकता है कि घर से ही कहीं दफा नहीं कर दे, बहुत टेंशन है ना ये पैसा। यानी पैसा जब अपने पास में आता है या तो खुशी देता है या टेंशन देता है, ये दो ही चीज होगा, तीसरा कुछ चीज होता ही नहीं है। सेम गोज फॉर द धंधा, धंधे में जब पैसा आता है ना एक खुशी देता है, जैसे कि सपोज मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूँ ठीक है, तो मेरे दुकान में जब कस्टमर स्टेशनरी का सामान खरीद के लेके जाएगा तो मेरे पास पैसा आएगा, ये है खुशी। यानी मेरे मैं ये पैसा कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, ये मेरी इनकम है राइट। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया, बहुत बड़ी अमाउंट का लोन लिया और मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, बैंक से साफ वो पैसा मेरे ऊपर क्या बीतेगा, टेंशन से हालत खराब हो जाएगा ना, क्योंकि वो जो बैंक से लोन लिया है वो मेरे लिए क्या हेडेक है, टेंशन है। क्यों टेंशन है, चुकाना पड़ेगा ना, रीपे करना पड़ेगा। सिमिलरली जस्ट लाइक पापा ने तुम्हें साइकिल का पैसा दिया, कल को कुछ भी हो गया तो ये पैसा वापस पापा को पकड़ा देगा ना, टेंशन फ्री हो जाएगा, साइकिल का प्रोग्राम कैंसिल होगा कोई इफ एंड बट की वजह से, तो ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना राइट। तो यानी टेंशन है, तो बिजनेस में जो इनफ्लो होता है ना वो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो टेंशन देगा या खुशी देगा। खुशी का मतलब वो इनकम है, इनकम है कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। टेंशन का मतलब लाइबिलिटी है, टेंशन का मतलब क्या है, लाइबिलिटी। यानी बिजनेस का कोई भी पैसा जो आपको टेंशन दे कि चुकाना है रिटर्न करना है, आया तो है बट वापस भी जाएगा, उसको अपन बोलता है लाइबिलिटी, क्लियर है। और सिर्फ आया है फिर कहीं पे भी यूज करो उसको क्या बोलेगा, इनकम, इनकम ठीक है, क्या बोलेगा, इनकम। तो पैसा आया है तो खुशी मतलब इनकम और टेंशन मतलब लाइबिलिटी। तो ये दो टर्म समझ में है, व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज लाइबिलिटी। इनफ्लो होने से पैसा का या तो वो मेरे लिए इनकम है या फिर मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी, बिकॉज वी आर लाइबल टू पे बैक, इसलिए वो मेरा लाइबिलिटी है। समझ में आया, थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में, कभी थ्योरी पढ़ेगा कभी कुछ टर्म सीखेगा, इससे क्या इंटरेक्शन बना हुआ रहेगा, वरना प्योर हार्डकोर थ्योरी चलाता रहूंगा तुम बोर हो जाओगे कि क्या सब्जेक्ट है, सुना तो इतना इंटरेस्टिंग था, क्या आलतू फालतू थ्योरी चल रहा है। तो ठीक है, कभी कभी थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेगा क्योंकि वो भी जरूरी है, कवर अप करना पड़ेगा बिकॉज स्टिल क्लास 11 तक तो कवर अप करना ही पड़ेगा अपने को, बट ज्यादा फोकस रहेगा अपना बेसिक टर्म्स के ऊपर। तो ये समझ में आए इनकम क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। इनकम मतलब जो पैसा अपन कमाता है अर्न करता है, और लाइबिलिटी मतलब जहां हेडेक है टेंशन है रीपे करना है, एनी अमाउंट विच वी हैव टू रीपे इज अ लाइबिलिटी, एनी अमाउंट which has to be repaid, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं हम लोग। आउटफ्लो, पैसा जाता है हमारे से, क्या हुआ, दोस्त लोग के साथ बाहर गया, कुछ खाया पिया रेस्टोरेंट में, पैसा गया ठीक है, तो ये भी तो पैसा गया ही है ना अपना। आप गए आईफोन खरीद के लाया, इसमें भी तो पैसा गया ठीक है। दोस्त के साथ जो खाया और डकार मार दिया, खत्म, खाना खाया डकार आते मतलब साफ, यूज ऑफ मनी इज साफ। लेकिन आईफोन कितना प्यार से रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक वैल्यूएबल सामान है। तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा घर, ये सब क्या है, वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए। लेकिन जो रेगुलर डे टू डे जो तुम एक्सपेंस करता है वो तुम्हारे लिए इतना वैल्यू नहीं है।
कल को तुम कहीं पे खाना ऑर्डर किया, अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसा ही है, कल फिर दूसरा जगह ट्राई करेगा। बट तुम कहीं से कोई महंगा सामान खरीदा और वो अच्छा नहीं आया, देन प्रॉब्लम है ना, राइट? तो जब भी पैसा जाता है, जब पैसा जाता है उसमें दो ही चीज होता है, या तो वो तुमने इंजॉय कर लिया उसी टाइम, इमीडिएटली इंजॉयमेंट एंड कहानी खत्म। जैसे खाना कहीं पे खाया, खा लिया, खत्म, फिर नेक्स्ट टाइम खाना है तो फिर से पैसा देना पड़ेगा, राइट? इससे तुम्हारा फ्यूचर बेनिफिट कुछ नहीं बन रहा। लेकिन जैसे कि तुमने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदा, अब मशीन्स का बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा ना। स्टाफ को सैलरी दिया, महीना का काम किया, सैलरी दिया, कहानी खत्म, नेक्स्ट मंथ फिर से देना पड़ेगा ना, ये भी तो पैसा जा ही रहा है। बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदा, पैसा तो गया, लेकिन वो मशीन हमारे पास थोड़े लॉन्ग टर्म तक रहेगा और हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा ना, राइट? तो जब पैसा का आउटफ्लो होता है तो दो ही चीज है, इधर इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, वो आपका खर्चा है एंड कहानी खत्म, और या फिर वो अमाउंट आपके लिए एक वैल्यूएबल आइटम को क्रिएट करेगा, ठीक है? जैसे कि सोना परचेज किया, गोल्ड, पैसा तो जा ही रहा है, बट गोल्ड इज अ वैल्यूएबल आइटम फॉर यू। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में, बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? वैल्यूएबल आइटम। बिजनेस में एसी लगवाया, ठीक है, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल है, क्लियर है? तो ईच एंड एवरी वैल्यूएबल मॉनिटरी आइटम इज नोन एज एसेट, वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है, क्लियर है? तो आउटफ्लो होगा तो दो ही चीज होगा, एक तो मेरा खर्चा और या फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट, क्लियर है? ये चीज क्लियर है? इनकम मतलब क्या होता है? इनकम जो हर बार होता ही रहेगा मेरे धंधे में, एक्सपेंसेस मतलब जो भी एवरी टाइम होता ही रहता है, बट लाइबिलिटी और एसेट ये थोड़ा मेरा बिजनेस में चलता जाएगा, आगे तक चलेगा, ये चार टर्म क्लियर है? पूरा अकाउंट्स इसी चारों टर्म्स में घूम रहा है। आप बस यही करता है, अपना इनकम कैलकुलेट करता है, अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करता है, इनकम में से एक्सपेंस हटा देता है तो तुम्हारे पास क्या बचता है? प्रॉफिट, ठीक है? देखो, होल एंड सोल मोटिव ऑफ द बिजनेसमैन, प्राइमरी मोटिव क्या है? प्राइमरी मोटिव फॉर डूइंग अकाउंटेंसी या फिर डूइंग अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, डूइंग की जगह मैं वर्ड यूज कर लेता हूं, फॉर मेंटेनिंग, हम कोई भी बिजनेस का अकाउंट्स क्यों मेंटेन करता है? ताकि मुझे उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कितना किया वो पता कर सके। नंबर वन, टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यही पता करना है मुझे, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस, ये पता करना है अपने को। और ये कैसे पता कर सकते हैं अपन? बिजनेस की जो टोटल इनकम है उसमें से मैं यदि मेरे टोटल खर्चों को माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा ना, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ है। टू चेक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी बिजनेस, अभी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? दैट इज
पोजीशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। मतलब किससे कितनी वैल्यूएबल या फिर किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा चुकाना है। चुकाना है तो लाइबिलिटी है, टेंशन है वो, ठीक है, वो पोजीशन हम लोग को चेक करना होता है। यानी ओवरऑल बिजनेस में चार ही चीज है, या तो इनकम या एक्सपेंस या एसेट या फिर लाइबिलिटी। क्लियर है ये चीज? तो एक बात बताओ मुझे, आप जो ये अकाउंटेंसी सीख रहा है, आप अपने बिजनेस के लिए सीख रहा है या अपने लिए सीख रहा है? बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए सीख रहा है या अपने लिए सीख रहा है? आप जो अकाउंटिंग करोगे किसका करोगे? बिजनेस का करेंगे ना। क्या बिजनेस के मालिक का अकाउंटिंग करोगे क्या? नहीं, वी डू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस। समझ में आया? तो इसका मतलब बिजनेस भी एक इंसान हुआ। आप बोल रहे हो हम मालिक का नहीं करेंगे, हम बिजनेस का करेंगे, इसका मतलब बिजनेस भी एक सेपरेट इंसान है, ठीक है। तो एक होता है मालिक और एक होता है धंधा। चिंटू ठीक है, अभी टेंशन में है थोड़ा सा, क्यों पता नहीं धंधा चालू करना है, कैसा जाएगा कैसा नहीं। बट ये चिंटू क्या करता है? ये चिंटू थोड़ा दूर खड़ा है, बिजनेस दूर है, इसने बिजनेस को खड़ा किया। अब ये बिजनेस को क्या देगा पता है? क्या देगा बोलो? आइडिया तो उसके पास है, बिजनेस को क्या देगा वो? कैसे चलेगा धंधा? बिना पैसे के धंधा चलेगा क्या? नहीं ना। तो ये बिजनेस को क्या देता है? पैसा देता है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। भी बिजनेस के लिए टेंशन आ चुका है, क्योंकि अभी तुमने बोला बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग अलग है, और दिख भी रहा है कि ये बेचारा दूर खड़ा है और ये अपना दूर है, राइट? तो ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों के बीच में बहुत गैप है। आप अकाउंटिंग किसका सीखोगे? इसका करना है? इसका तो करना ही नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं है इससे। तो अब बेचारा मेरे बिजनेस के पास क्या एक टेंशन आ गई? क्या टेंशन आ गई ना, क्योंकि इसने क्या किया है? ये कौन है? ये है मालिक। ये अपने आप को बिजनेस का मालिक बोलता है चिंटू। तो चिंटू ने धंधे को पैसा दिया, ये अपना धंधा बिजनेस। इसने बेचारे ने ले तो लिया पैसा, लेकिन इसका अब एक टेंशन आ चुका है कि मेरे को जिस दिन धंधा बंद होगा ये पैसा चुकाना पड़ेगा। प्लस टाइम टू टाइम जब आप किसी से उधार लेते हो तो क्या देना होता है? यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट नहीं देके क्या देगा? प्रॉफिट लॉस इनकम बिजनेस इसको अर्न करके देगा ना, राइट? आया समझ में? चलो ठीक है, ये समझ में आया कि मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए टेंशन है। टेंशन है तो क्या मैं इस पैसे को लाइबिलिटी बोल दूं? पेबैक करना पड़ेगा ना। अब चिंटू था वैसे ही चिंटी भी है। चिंटी बोली पैसा चाहिए मेरे को। हाँ चाहिए ना, धंधा बढ़ाना है। मालिक कितना पैसा देगा भाई, एक लिमिट होता है। बैंक के पास या चिंटी के पास तो जाना पड़ेगा ना, चिंटी मालदार पार्टी। तो अपन उसके पास गए कि पैसा देगी? बोले दे देगी। तो अपन ने इससे भी पैसा ले लिया, इससे भी पैसा ले लिया बिजनेस के अंदर में। क्या मैं बोल सकता हूँ बिजनेस के पास और एक नई लाइबिलिटी आ गई है? हाँ। इसको चिंटी को भी तो पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। बट ये चिंटी को है ना इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट नहीं देगा। प्रॉफिट तो मालिक को दिया जाता है। चिंटी से तो जब क्या किया, जस्ट लोन लिया, लोन लिया। अब देखो दो दो लाइबिलिटी बिजनेस में है, साला बिजनेस को कैसे पता चलेगा कौन सा लाइबिलिटी कितना बाकी है? हो सकता है ना ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिजनेस थोड़ा थोड़ा पैसा चुका दिया हो, तो पता कैसे चलेगा कि किसका हिसाब कितना है? तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पैसा आया है इनके नाम से लिखना पड़ेगा। बिजनेस क्या करेगा, अपना बुक बनाएगा, एक बुक बनाएगा
उस बुक के अंदर में नाम लिखेगा, राइट, कि मैंने इससे इतना पैसा लिया। बिजनेस बोलेगा मैंने मालिक से पैसा लिया, राइट। ऐसा क्यों बोल रहा है बिजनेस? बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। दिख रहा है दोनों अलग अलग है इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग सीखता है, बिजनेसमैन का अकाउंटिंग नहीं सीखता। क्लियर है? हम जितना भी अकाउंटिंग करेंगे, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। आया समझ में? सपोज बिजनेसमैन ने क्या किया, इसने, इसके पास कुछ पैसे थे पॉकेट में, ये बाहर गया और एक आईफोन खरीद लिया। बताओ ये इंफॉर्मेशन क्या यहां पे रिकॉर्ड होगी? क्या लिखेंगे? क्या पर्सनल एक्सपेंस? इरेलीवेंट। अब इस मालिक ने क्या किया, एक आईफोन खरीदा, ठीक है, बट पैसा दिया है कंपनी ने। अब बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में लिखेंगे? क्या लिखेगा? क्योंकि यहां पे बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट आ गया ना, बिजनेस का पैसा जा रहा है, तो बिजनेस एट द एंड क्या बोलेगा? देख मालिक, तूने मेरे को पैसा दिया था, उसमें से कुछ पैसा मैंने तेरा आईफोन पेमेंट करने के लिए चुका दिया, अब बाकी बचा हुआ पैसा तू मेरे से ले लेना बाद में। यही तो हिसाब करेगा। आई बात समझ में? तो ये समझ में आता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है इन द आई ऑफ लॉ। बिजनेस कैसा इंसान है? बिजनेस एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है, भगवान का तोहफा, नेचुरल पर्सन है, चलता फिरता, जिसमें सांसे है, ठीक है, एक्टिविटी कर सकता है। बट बिजनेस, बिजनेस कोई लिविंग थिंग है क्या? इट्स ए नॉन लिविंग थिंग। इट इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ और क्रिएटेड बाय ऑनर, ठीक है। यानी कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन होता है तो इसको हम लोग नेचुरल पर्सन नहीं बोलते। ये कैसा पर्सन है मेरा? आर्टिफिशियल पर्सन। असली में कोई हाथ पैर पांव दिल आंख कुछ है क्या इसका? नहीं है ना, बोलने के लिए है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलता है आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? ये है मेरा नेचुरल पर्सन, असली जिंदा है ये तो, और ये मेरे लिए आर्टिफिशियल पर्सन। ये दोनों अलग अलग है, मानता है। क्यों है अलग अलग पता है? बिकॉज तुम लोग को एक कंसेप्ट लिखाऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोला मैंने? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। बिजनेसमैन इज अ नेचुरल पर्सन, वेयर इज बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग बिजनेस में किसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? ओनली रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। ये क्लियर है? अब देखो, बुक तो बना लिया था लेकिन तुम लोगों ने तो नाम बताया ही नहीं, क्या करें? ये जो पैसा आया है इस बुक में लिखना तो पड़ेगा ना। सपोज एक्स अमाउंट है, तुमने पैसा तो रिकॉर्ड कर लिया इतना रुपए, नाम तो लिखना पड़ेगा ना। नाम नहीं लिखोगे तो फिर पैसा गुम जाएगा, किससे कितना आया। सपोज तुमसे, तुमने 10 दोस्तों से उधारी ले रखा है तो सबका नाम लिख के रखता है ना कि हम इससे इतना लिया, इससे इतना लिया, इससे इतना लिया, तो नाम लिखना पड़ेगा ना। तो मालिक को कुछ तो नाम देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लिख देगा ऑनर। बिजनेस बोलेगा मैं ही ऑनर हूं बिकॉज आप मेरा अकाउंटिंग कर रहे हो, आप ऐसे कैसे वर्ड ऑनर यूज कर रहे हैं? मालिक वर्ड तो यूज नहीं कर सकते। इसीलिए अब इस पैसे को हम लोग क्या बोलता है? कैपिटल। क्या बोलता है? कैपिटल। ऐसे बोलता है ना, तुम धंधे में कितना कैपिटल लगाया है, मतलब इन शॉर्ट धंधे को कितना उधारी दिया है। क्योंकि बिजनेस को कुछ नाम से तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, वो नाम ही होता है कैपिटल। इट इज क्लियर? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। कैपिटल वो पैसा है जो इसने इसमें इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? और जो ये चिंटी से लोन लिया है वो क्या नाम से लिखेगा? चिंटी, चिंटी लोन, ऐसे लिख देगा वो, चिंटी से मैंने लोन लिया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक कंसेप्ट समझ में आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है इन द आई ऑफ लॉ। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, बिजनेसमैन का रिकॉर्ड नहीं करता। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन
इनटू बिजनेस, क्लियर है? एंड कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्यों है, समझ में आया? क्लियर है? इनफ्लो और आउटफ्लो पैसा का हुआ, इफ इनफ्लो है तो दो ही चीज हो सकता है क्या, या तो इनकम या लाइबिलिटी, और पैसा जा रहा है तो दो ही चीज होगा क्या, एक्सपेंस या एसेट, क्लियर है? इतना प्रॉपरली रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।